दोस्तों क्या आप जानते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? तो आपको बता दें कि दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण न ही शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है और ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की। इसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में ये कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान परशुराम ने क्यों कर्ण को श्राप दिया था। आप सभी को पता ही है कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक कर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सुत पुत्र भी कहा जाता था। ये वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया। वैसे तो दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा 3रा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था, जो प्राण घातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत के ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण को सुत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखते हुए कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जंघे पर रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण के जंघा पर डंक मार दिया। तब तक कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपना जंघा हटा लूंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसीलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण के जंघे से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के सिर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और ये देखकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता क्षत्रिय में ही हो सकती है। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देते थे, उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। भारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने कर्ण तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी गए तब भी कंगाल ही हो जाओगे, इसीलिए दानवीर कर्ण विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो, अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।